ये जो फर्जी वाड़ा करते हैं ना आप लाइफ में, यकीन मानिए मजा आता नहीं। वेल डोंट आस्क कि ये मैंने क्यों बोला, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट द नेम फर्जी। क्या है ना कि शाहिद कपूर की फिल्म आने वाली है जिसका नाम है फर्जी। फर्जी बातें बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे करते हैं ठोक बजाकर कुछ ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें कि आखिरकार शाहिद कपूर रियल लाइफ में क्या चुराते हैं। चुराते हैं भाई, यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। बीइंग एन एक्टर इज अ फर्जी जॉब। रियली आपने गोलमाल की याद दिलाई मुझे, लोगों के दिमाग से इंटेलिजेंस उनका उनसे वो चुराना है। अलग अलग उम्र में लोग अलग अलग चीजें चुराते हैं, वो ही मेरा स्टाइल है। आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। नमस्कार, मैं हूँ संदीप पंड्या और आज SBS ओरिजिनल्स में होगा एकदम फर्जी इंटरव्यू, क्योंकि प्राइम वीडियो पर आ गया है फर्जी। और आज हमारे साथ बड़े बड़े फर्जी, माफ कीजिएगा, बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। अमोल सर, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही बनता है, क्योंकि ये फर्जीवाड़े की शुरुआत तो आपने ही की थी गोलमाल से। तो गोलमाल से लेकर फर्जी तक, लेकिन आपने बहुत टाइम लगा दिया। ऐसा कोई जितना फर्जीपन करने का ज़्यादा मौका मिले, ऐसा रोल मिले तो मैं बार बार करना चाहूँगा। आई मीन आई वॉज रियली, आपने गोलमाल की याद दिलाई, उस समय जैसा एक पिकनिक का माहौल होता था वैसा ही माहौल हमने फर्जी के शूटिंग में महसूस किया। शायद शो में आप नकली नोट बना रहे हैं, है ना, तो फर्जी के लिए आप नकली नोट बना रहे हैं, तो फर्जी के लिए असली नोट कितने बना दिए? आजकल कोई नोट में पेमेंट करता ही नहीं। बड़े वेरी स्मार्ट टैक्स फॉलोअर हो गए हैं, जो भी पेमेंट होता है वो एकदम पेपर पे होता है सर आज की तरह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरी उम्मीद पे तो कुछ नहीं है, बट इट्स ऑडियंस को बहुत उम्मीद है। शो में जैसे लाइन है कि हर किसी के अंदर एक चोर है, जी, है ना, तो आप क्या कहेंगे कि आपके अंदर कौन सा चोर है और क्या चोरी की आपने अब तक, क्या फर्जीवाड़ा किया अब तक? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अलग अलग उम्र में लोग अलग अलग चीज़ें चुराते हैं। फिलहाल मैं अपने बच्चों की इनोसेंस, उनकी स्माइल, उनकी खुशी और उनकी एक स्पॉन्टेनाइटी चुराने की कोशिश करते रहता हूँ आजकल। मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मुझे लगता है इफ़ आई हैव दैट साइड इन मी आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। राज सर, आपने क्या फर्जी काम किया है अब तक? फर्जी काम तो नहीं किया है, होपफुली फर्जी काम तो क्या किया है, कुछ तो किया होगा, छोटे मोटे करते रहते हो डीके के साथ। I think मेरे अंदर एक अच्छा चोर है। अच्छा, ये चोर अच्छा अच्छा भी होता है। अच्छा, गुड थीफ। पुरानी फिल्मों में होते थे वैसे, यहाँ से लूट के दूसरों को मदद करने। मुझे विजडम चुराना है, मुझे लोगों के दिमाग से इंटेलिजेंस उनका उनसे वो चुराना है और आगे आगे स्प्रेड करना, बेसिकली विजडम लेके देना है। बड़े सीधे हैं आप, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि सच में आपकी इमेज ऐसी एकदम सीधे आदमी की है और आप सच में सीधे हैं? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। एंड इफ आई एम सो सिंपल एंड सीधा साधा, then I wouldn't have been able to give performances like Bhumika, yes, or in Vidhu Vinod Chopra's Khamosh, pata nahi aapne dekhi hai ki nahi, with all the grayish possible shades jo hamare beech mein rehte hain, lekin wo farzi nahi hai, wo sachi hai. Vijay sir, ab साउथ नॉर्थ वैसा कुछ रहा नहीं, अब सारे एक्टर मतलब यहाँ के एक्टर वहाँ भी काम करते हैं, वहाँ के एक्टर यहाँ भी काम करते हैं, जी, उल्ली की वजह से सब लोग सब फिल्म देखता है जी, सो इसलिए सबका सब पहला तो पहला जब भी 20 साल पहले था जो सुपरस्टार है उन लोग सिर्फ जानता है, अभी ऐसा नहीं है, सब एक्टर सब लोग जानता है। अगर मूवी अच्छा है तो सब लैंग्वेज में, सपोज जैसे देयर इज़ वन कन्नड़ा फिल्म, प्लीज वॉच इट, that Marathi film is nice, that Bengali film is nice, please. Especially in pandemic, people started watching so many films in so many languages. आप क्या कहेंगे कि आपका experience कैसा रहा फर्जी के लिए? राजू डी के सर के साथ क्या होता था कि वो तो बिल्कुल नहीं रोकते आपको as an actor, वो आपको कहते हैं कि आपको जो करना है करो, कभी कभी तो हमें भी मत बताओ, हमें भी टेक में ही देखना है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है एज एन एक्टर। और मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं। विजय सर, हमने देखा है कि साउथ के जितने एक्टर होते हैं, जितने सुपरस्टार्स हैं, उनकी एक अलग स्टाइल होती है। मैंने देखा आपने बड़े स्टाइल में गोली मारी, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे। हमें भी पता नहीं होता था सर कि ये क्या कर देंगे, हमारा बहुत कम था, जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा स्क्रीन टाइम विजय सर के साथ जो है मेरा और शाहिद भाई का बहुत कम है। ये मेरा इकलौता मलाल है फर्जी से, इसके अलावा कोई मलाल नहीं, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता था उस सीन जिस दिन हम इनके साथ शूट कर रहे थे कि ये अगला अब क्या कर देंगे। सेम विद के सर, विजय सर और के सर आपको कभी नहीं पता लगने देंगे कि ये सीन में क्या करने वाले हैं, और ये किसी भी दो टेक्स में सेम चीज़ नहीं करने वाले हैं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।